सर, एक्चुअली बात यह है ना कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे ये जानना है कि उसके पेट में लड़का है या लड़की। मैंने पूरे शहर में पता किया लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो बता सके। मैंने कहीं से सुना था कि आप इस चीज़ का टेस्ट करते हो, तो आप प्लीज़ बता दो मेरी वाइफ के पेट में लड़का है या लड़की। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। वैसे इस शहर में ना एक मैं ही ऐसा डॉक्टर हूँ जो ये टेस्ट करता हूँ, और इस टेस्ट के लिए ना पूरे 50,000 लगेंगे। दे सकते हैं आप? 50,000? ठीक है सर, हम दे देंगे 50,000। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आप ये जानकर करेंगे क्या कि इनके पेट में लड़का है या फिर लड़की? देखो सर, अगर लड़का हुआ तो हम खूब धूमधाम से उसके जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे, और लड़की हुई तो उसे पेट में ही ख़त्म कर देंगे। वाह, तुमसे ना यही उम्मीद थी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना अपने पूरे करियर में 500 से ज़्यादा टेस्ट कर चुका हूँ। भगवान ना करे इनके पेट में लड़की हो, वरना इनका अबॉर्शन भी मैं ही करूँगा। ठीक है, हाँ लेकिन कुछ इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है सर, हम दे देंगे। ये लीजिए सर, टेस्ट के 50,000 रुपये। बहन, तू प्रेग्नेंट है और तू यहाँ पे क्या कर रही है इसी लड़के के साथ? नहीं भैया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और ये लड़का ये मेरी ही टीम का है। आपके ऊपर ना स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था, और आपकी सारी बातें ना इस माइक में रिकॉर्ड हो गई हैं। यू आर एक्सपोज्ड। क्या एक्सपोज मतलब? आपको तो पता ही होगा मैं थोड़े दिन पहले ही ना आईएएस ऑफिसर अपॉइंट हुई हूँ, और आपको पता है सबसे पहला केस मेरे पास क्या आया? कि यहाँ पे ना एक डॉक्टर है जो कि इलीगल काम कर रहा है। वो लोगों के टेस्ट करता है कि उनके पेट में लड़का है या लड़की, और अगर उनके पेट में लड़की निकलती है ना तो वो उनका अबॉर्शन कर देता है। और जब मुझे ये पता चला कि वो डॉक्टर कोई और नहीं जबकि मेरा खुद का भाई है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। भैया आप इतना कैसे गिर सकते हो? पैसों के लालच में आके आप इतना घटिया काम कर रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि जब भाभी की डिलीवरी होने वाली होगी ना, तब भी आपने उनसे यही पूछा होगा कि उनके पेट में लड़का है या लड़की। अगर आपको पहले ही पता होता ना कि भाभी के पेट में एक लड़की है, तो आप उनका पहले ही अबॉर्शन कर देते, है ना? आप ये भूल गए हो कि आपका एक छोटा भाई है जो कि निठल्ला है, और एक बहन है जो कि अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। भैया मेरा नाम है इस शहर में, इज्जत है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आपकी इन हरकतों की वजह से ना वो कुछ नहीं रहेगी। भैया न जाने कितनी लड़कियों को ना आपने कोख में ही मार दिया होगा। जिस शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो आप? छी, आज के जमाने में भी इतनी छोटी सोच रखते हो कि एक लड़की कुछ नहीं है समाज के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई ऐसी हरकत करेगा। मैं तो आपको अपना आइडल समझती थी कि आप पढ़ लिख के डॉक्टर बने हो, हमारे घर का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं भी आईएएस बनी। लेकिन आपने क्या किया? इतनी घटिया हरकत, इतनी छोटी सोच है आपकी। भैया मैं भी एक लड़की हूँ, जिससे आपकी शादी हुई है ना वो भी एक लड़की है, और जिसने आपको पैदा किया है ना वो भी एक औरत ही है। आज आप औरतों को मार रहे हो, लेकिन यही लड़कियां ना आगे जाके समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। लड़कों से ज्यादा नाम कमा रही हैं आजकल। भैया लड़के ही सब कुछ नहीं होते हैं, आज का जमाना ना बदल गया है, लड़कियां लड़कों से आगे चल रही हैं इस टाइम। वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और वही घर परिवार का नाम रोशन करती हैं। आप अपने परिवार में ही देख लीजिए, हमारा छोटा भाई तो निठल्ला है ना, लेकिन मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। भैया मुझे ना बहुत शर्म आ रही है कि आप मेरे भाई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप अपनी सोच ही कब बदलोगे कि लड़के ही नहीं लड़कियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं, और वो इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सॉरी बहन, मुझे माफ़ कर दे, मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। आज के बाद मैं कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि तुझे शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज़ बहन, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। नहीं भैया, आपने ना एक क्राइम करा है, और इस क्राइम की तो सज़ा मैं आपको दिलवा के ही रहूँगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी बहन हूँ तो आप बच जाओगे। अब आपको सज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर अंडर अरेस्ट। ऑफिसर ले जाओ इनको। यस मैडम, चलो।